are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. So, आज भी मेरा मजमून जो है वो ब्रेकिंग कर्जेज है, लानतों को तोड़ना. So, number one, आई want to tell you, मैं कई मर्तबा लोगों को ये सुनता हूं और कभी कभी ऑफ्टनली ऐसा होता है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा जो सेल फोन है, जो मिनिस्ट्री का नंबर है, वो कभी 2 बजे भी रात को बजता है, कभी 3:30 बजे भी, कभी सुबह भी. सो जब भी हम कॉल रिसीव करते होते हैं उसके ऊपर एक ही बात होती है, दुआ करें. हमारा ये मसला है, हमें ये प्रॉब्लम है, दुआ करें वो हल हो जाए. और फिर जब कभी मैं संडे को चर्च में आता हूँ और आई जस्ट फिनिश द प्रेयर, उस इबादत के इख्तमाम पे भी लोग मिलते हैं एंड दे सेड प्रे फॉर अस. ट्यूसडे मंगल को जब हम एक बड़ा इज्तमा करते थे उस पे भी सब लोग एक बड़े हजूम में आते थे एंड दे आस्क कि उनके लिए दुआ की जाए. ये बहुत अच्छी बात है हमारे क्रिश्चियंस की. जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईमानदार हैं, वो दुआ पर डिपेंड करते हैं. दिस इज वेरी गुड. हर चीज का हल प्रेयर है, आई एम एग्री फॉर दिस. लेकिन अपनी शिफा के लिए, रहाई के लिए, मोजे के लिए, फतेहमंद जिंदगी के लिए सिर्फ दुआ पर इंसार ना करें. अंडरस्टैंड इट, दिस इज गुड. आप मीटिंग के एंड पर भी दुआ मांगते हैं, आप मीटिंग के शुरू पर भी दुआ मांगते हैं, हम फोन उठाते हैं आप तब भी हमें कहते हैं कि दुआ करें. दिस इज गुड. लेकिन जिंदगी में, मसीह जिंदगी में फतह, रहाई, छुटकारा सिर्फ प्रेयर से नहीं होता, फरमा बरदारी से भी होता. कई मरतबा बजाय इसके कि हम फरमा बरदारी करें, हम उसके अहकाम पर अमल करें, हम नाफरमानी का हल भी दुआ ढूंढते हैं. मैं बहुत नाफरमान हूं, मैंने खुदा का हुक्म तोड़ा हुआ है, मैं फलां जिंदगी के हिस्से में गुनाहगार हूं और मुमकिन नहीं कि मैं उस गुनाह की रेत में से निकल सकूं, इसके बरक्स आप मेरे लिए दुआ करें किसी तौर पर मैं ठीक हो जाऊं. दैट्स इट. इसलिए मैंने कहा कि अपनी जिंदगी के तमाम हालात के लिए सिर्फ दुआ पर इंसार ना करें. डू यू नो, दाऊद जब वर्शिप करता था, बरबत बजाता था, झांझ बजाता था, साउल रिलैक्स होता था. लेकिन जो ही वो अपना सेशन बंद करता था उसे बुरी रूह फिर तंग करते थे. सो उस बुरी रूह का जो सोल्यूशन था वो सिर्फ वर्शिप नहीं थी, उसका जो सोल्यूशन था वो ये था, उसका हल ये था कि उसके बरक्स साउल खुदा की फरमा बरदारी करे. फिर 5-10 मिनट के लिए बदरू ने नहीं भागना था, परमानेंट बेस पर बदरू ने उसे छोड़ देना था. अगर आपकी जिंदगी में बदरूहें बार बार वापस आती हैं, अगर आपकी जिंदगी में बार बार बीमारी रिटर्न होती है, यू सिक अगेन एंड अगेन, सो इट मींस, इसका मतलब ये नहीं कि यू प्रे एवरी डे, इट मींस यू चेक योर सेल्फ एवरी डे. अपनी जिंदगी को चेक करें, अपने लाइफस्टाइल को चेक करें, वेयर वी आर रॉन्ग. कुछ लोग कहते जदों तक असी दुआ कराने हैं ठीक रहने हैं, ये चीज पीछा नहीं छाड़ दी. यू अंडरस्टैंड इट. चर्च आते रहते हैं, कारोबार चलता रहता है. अच्छा, वैसे तो अच्छी बात है, इस बहाने आप आते तो रहते हैं. लेकिन इसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है, इस मसले को ज्यादा देर, लंबे अरसे तक हल करना है,
मुकम्मल तौर पर इसका हल चाहिए तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वेयर आई एम रॉन्ग, मैं गलत कहा हूं, मेरी जिंदगी में गलती क्या है, वजह कहां है, प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना। जब कलाम होता होता है दरअसल खुदा ही आपको मौका देता है कि आप खुद में तलाश करें कि मसला क्या है और वो क्यों है। जब खुदा आपसे बोल रहा है तो खुदा आपकी मुश्किलात के दो पॉइंट्स पर आपको लेके जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, हल आपने करना है, गुनाह को आपको छोड़ना है, बदी से इनकार आपको करना है। और हां इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जी आप बिल्कुल गुनाह को छोड़ देंगे कभी बुखार नहीं होगा, मौसमी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कभी भी आप लानत का शिकार नहीं होंगे, कोई बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक नहीं जाएगी। दिस इज वेरी गुड। मेरे पैगाम का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपनी दुआओं को बंद करें, मैं तो आपको दावत दे रहा हूं रोज 8 बजे आओ, हम हर रोज दुआ करेंगे, लेकिन मैं क्या आपकी तवज्जो कहां पर ले जाना चाहता हूं, दुआ के साथ साथ इन्वेस्टिगेट योर लाइफ, कब तक बुलेट प्रूफ होके बैठे रहोगे, कब तक बॉम्ब प्रूफ जैकेटें गाड़ियों में बैठे रहोगे कि कलाम का आप पे असर नहीं होगा। इन अ वन डे खुदा की जो जजमेंट है वो सख्त हो जाएगी, अंडरस्टैंड इट। रोज चेक करें, चंगी तरह धो के मेरी कर, और साथ ये भी गाएं, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन, जो बेस्ट होगा वो खुदावंद हमें देगा। कब देगा? जब हम अपनी जिंदगी में जो बेस्ट नहीं है उसे छोड़ना शुरू करेंगे। सो नाफरमानी की वजह से भी बहुत सारी लानतें, बीमारियां, बदरूहें जो हैं वो बदनों को शिकार किए हुए हैं और उनको अपना महकूम बनाए हुए हैं, उन पर उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है और लोगों को उस पॉइंट्स को, उन जगहों को, उन चीज़ों को, उन अज़ा को जिंदगी के जिस्म के उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। सो इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, वेयर यू आर रॉन्ग, कहाँ गलती है, कहाँ प्रॉब्लम है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक खातून थी और वो श्रीलंका में मसा के एतबार से रूहानी दीनदारी में सबसे पहले नंबर पर थी और दुनिया के अंदर उसका 5वां नंबर था, वो 5 टॉप के एनॉइंटेड लीडर्स में आते थे। और इन अ वन टाइम ऑफ हर लाइफ वो अपनी जिंदगी के एक वक्त में बहुत सख्त बीमार हो गई और वो खुदावंद को पूछने लगी कि मैं क्यों बीमार हूं, क्या रीजन है। मैं प्रे करती हूं, सम टाइम लोग दुआ में आते रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन मैं परमानेंट शिफा नहीं पा रही, आरसी शिफा पाती हूं, व्हाट इज द रीजन। खुदावन ने कहा 32 सालों से अबलीस डायाबलोस तेरे पीछे लगा हुआ है और 32 सालों से तू उसके साथ लड़ रही है, तूने लाखों की तादाद में लोगों से बद्रूहों को निकाला है, उनकी पिटाई की है, उन्हें बांधा है, उन्हें बेदखल किया लोगों की जिंदगी से और अबलीस तेरा पीछा कर रहे है From 32 years, it was not easy. और उसने जो ये तेरा कमरा है ऊपर दुआ का,
यहां पे जो सीढ़ियां हैं उसके ऊपर एक स्पेल बनाया हुआ था, बहुत सारी बुद्रों का एक गठ इकट्ठा किया हुआ था, और जब तू गुजरती थी दे ट्राई टू हिट यू, लेकिन इससे पेशतर के वो तुझसे हिट करते, तेरे इर्द गिर्द एक दायरा था, एक साइकिल था जो मसा की आग का था, और वो उसके साथ हिट होते थे और वो गिर जाते थे, और तो फतेहमंदों की सीढ़ियों से गुजर जाती थी। बट लिसन, लेकिन एक दिन तो इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि तूने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और वो बुड़बुड़ाहट में, ना माफ करने की हालत में, हसद की हालत में, गुस्से की हालत में, तो मसा की हालत में नहीं थी। यू अंडरस्टैंड इट? मैंने कहा हर वक्त पास्टर टाई शाई लगा के मसा की हालत में नहीं होता, तो गुस्से की हालत में थी, मसा की हालत में नहीं थी, और तू अपनी सीढ़ियां चढ़ रही थी, और तुझे पता है अबलीस बहुत जिद्दी है, वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता, उसका पीछा करता रहता है। 32 सालों से वो स्पेल को फैलाता था, और जू ही तू उस गुस्से में, और मसा तुझसे हटा हुआ था क्योंकि तू बहुत सारा कुछ बोल रही थी जो बिब्लिकल गैर कानूनी था, और जैसे तू सीढ़ियां चढ़ी और वो स्पेल, वो बुद्रोहों का गट मसा से नहीं बल्कि तुझसे टकरा गया, और उस टकराने की वजह से तेरे अंदर बेशुमार बीमारियों को पैदा कर दिया, एंड यू आर सिक। यू अंडरस्टैंड इट? वी थिंक कोई बात नहीं, हम थोड़े थोड़े गुनाह कर लेते हैं, गलतियां करते हैं। रूहानी लोगों का रवैया, एटीट्यूड बॉडी का और माहौल बड़ा महंगा होता है, बड़ी मुश्किल। कभी कभी तो दिल ही नहीं करता, माहौल इतना खराब होता है कि दुआ करें, और अबलीस चारों तरफ आके घूमता होगा, कभी इसको भेज देगा, कभी उसको भेज देगा, आपको स्पॉइल करता रहे। आप कुछ ना कुछ ऐसा करें, ऐसा बोलें ताकि जो उसका स्पेल है, उसकी दुश्मनी, वो खुदा से नहीं बल्कि आपसे टकरा जाए और आप उसके शिकार हो जाए। यू अंडरस्टैंड इट? फिर उसने खुदावंद से माफी मांगी, उस गुस्से के लिए, उस नफरत के लिए उसने खुदावंद से माफी मांगी। डू यू नो व्हाट हैपेंड? उसी वक्त रूहुल कुस की कुवत उस स्पेल से, उस गट से टकराई, और वो औरत आजाद हो गई और उसने मुकम्मल शिफा पा ली। यू अंडरस्टैंड इट? यू अंडरस्टैंड इट? कि हमें हर वक्त अपने एटीट्यूड पर ध्यान देने की जरूरत है। आम लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं, वो 5 रुपए के पीछे भी झूठ बोल देंगे। लोगों के लिए इजी है 2 मिनट को 2 घंटे बनाना, 2 घंटे को कहना मैं 2 मिनट चाह रहा। इट्स इजी फॉर द वर्ल्ड, लेकिन दिस इज नॉट इजी फॉर गॉड्स पीपल। ये फर्क है दुनिया के लोगों में और खुदा के लोगों, दिस इज डिफरेंस। सो उसने इन्वेस्टिगेट किया अपनी जिंदगी को, खंगाला, चेक किया वेयर शी वॉज रॉन्ग। चेक योर लाइफ। सो एक चीज जो मैं आपको और बताऊं, लानत सिर्फ ह्यूमैनिटी तक में दूद नहीं है, सिर्फ इंसान तक नहीं है, बल्कि चीजों तक और बहुत सारी चीजों तक इसकी हद है। बहुत सारी चीजों को अपनी लपेट में ले लेती है। हमें लगता है कि मे बी शायद कोई इंसान ही लानती होगा, उसके ऊपर शायद लानत है, लेकिन जिस पर लानत होती है वो जहां जहां बैठता है उसकी चीजें भी लानत के नीचे आ जाती है। सो हमें अपने आप को सिक्योर रखना है, सेंटिफाई रखना है अपने आप को। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो हमें इजी लगता है, कभी हम लंडे से उठा लाते हैं, कभी हम ऐसे इधर उधर से, बड़ी अच्छी है। मैं घर में गया एंड आई वाज प्रेइंग, वो भाई कहने लगे
मेरी जो बीवी है वो जब भी प्रेग्नेंट होती है, हमला होती है, उसका हमल गिर जाता है। वी वर प्रेइंग, हमें नहीं पता चला। फिर 6-7 महीनों के बाद उन्होंने दावत की, आप हमारे घर आए। फिर वो अपने बेडरूम में लेके गए, प्लीज यहां पर दुआ करें। एंड वी आइडेंटिफाई, वहां पर रूहुल कुस ने हमें गाइड किया कि ये जो तस्वीर है, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। एंड देन व्हेन आई वाज प्रेइंग, खुदावन ने बताया ये कुछ ऐसी आवाजें सुनते हैं विच आर नॉट फ्रॉम गॉड। फिर पूछा और उन्होंने बताया कि उनके पास एक बॉल है जो वो चाइना से लाए हुए हैं, उसको हल्की सी वो धमक मारते हैं और उसकी धमक कितनी देर तक चलती है, और उससे गौर से सुनते हैं, और वो उस बॉल का मकसद यह है कि आप सुकून पाएं ज़हनी। दैट वॉज अंडर कर्स। और उस तस्वीर को वो सांप उसके ऊपर बना हुआ था, कोबरा। आई सेड दिस इज नॉट होली पिक्चर, ये डिफीटेड है, शिकस्त खुर्दा है, और हमने उसकी तस्वीर लगाई हुई है, हमने फतह की तस्वीर लगा ली। जब उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया, घर से निकाल दिया, उनकी जिंदगी आजाद हो गई। हर चीज को फोकस। आजकल मैंने देखा बहुत सारे घरों के बाहर, घरों में एक ब्लू से चीज है और उसके अंदर व्हाइट और फिर दरमियान में डार्क ब्लू कलर की एक लाइट सी है, और उसे नजर ना लगे, वो भी चाइना से पाकिस्तान में आई है और बहुत सारे घरों ने लगाई है। इससे जी नजर नहीं लगती, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एट्रैक्टिव पिक्चर बनाई गई है कि आपकी नजर कहीं पर भी पड़े लेकिन आपकी आंखें उसकी तरफ चली जाती हैं, आप उस तरफ मुतवज्जो होते हैं। लेकिन रिमेंबर, दैट इज द रीजन ऑफ द कर्स। ये चीजें नहीं है लानत से बचने के लिए। यीशु मसीह का खून और उसकी मार खाने से हमने लानत से छुटकारा पाया। बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो लानत के नहीं। आपको पता है पहले एक 10 रुपए का के 5 रुपए का नोट था, उसके पीछे एक तस्वीर बनी थी हड़प्पा की, रिमेंबर, 10 रुपए के ऊपर, शायद 5 रुपए के ऊपर। अब हड़प्पा जो शहर है वो लानत की वजह से गर्क हुआ था, बर्बाद हुआ था, और उस बर्बाद हुए सारे उजड़े हुए शहर के पिक्चर हमने अपने पैसे पर लगा ली थी। दैट इज अ कर्स, वी डोंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन लोग जो हैं वो उसको तरजीह देते रहे। और इसी तरह कुछ कपड़ों पर भी कर्ज होता है जो लोग पहनते हैं। कोशिश करें कि आप लंडे के कपड़े ना ही पहने। कपड़े पहनने से बरकत भी मिलती है और गलत शख्स के कपड़े पहनने से लानत भी आती है। पतरस के ऊपर जो पटका था, रुमाल था, वो पतरस का था, वो जिस पे लगता था उसे शिफा और बरकत मिलती थी, क्योंकि पतरस के अंदर बरकत और शिफा थे। जिस तरह से बरकत किसी के अंदर से निकलकर आपको मिलती है, उसी तरह से जिसके अंदर लानत होती है वो भी निकलकर आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। बहुत सारी स्किन डिसीजेस, एलर्जिक्स इस कर्ज की वजह से ट्रांसफर होती है। हाँ, कुछ लोगों को बाप बरकत करने के लिए भी हम कपड़े देते हैं। रिमेंबर, आप किसके कपड़े पहन रहे हैं? डोंट शेयर जब तक खुदा ना आके। और कुछ जगहों के ऊपर भी कर्ज होता है, लानत होती है, डिफिकल्ट होता है वहां पे प्रे करना, सरवाइव करना। और इन सारी लानतों को बताने का मतलब ये नहीं है आप डर जाएं, इसका मतलब यह है आप उसको तोड़ें ताकि आप मुस्तकिल रहाई पा जाएं और फतेहमंद जिंदगी को बसर करें। आप गुर्बत के जुए के नीचे ना रहें, आप गरीबी में ना रहें, आप बीमारी में ना रहें, आप मुश्किल में ना रहें, आप आजाद हो जाएं और अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द को इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें वेयर इज द रॉन्ग। और इसलिए एवरी वीक
एट लीस्ट कम सो कम अपने घर को मसा के तेल के साथ और दुआ के साथ अपने घर को बरकत देते रहें, फिजाओं को पाक करें, फिजाई इम्तियाज रखें, यीशु के खून को फिजाओं में छिड़कें, दरवाजों पर लगाएं, फर्नीचर को ब्लेस करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है डॉक्टर यंगे चू चौथा रुख किताब को मैं पढ़ रहा था, एंड आई जस्ट रीड इट देयर। डॉक्टर यंगे चू एक खातून के पास गए और उसका डाइवोर्स होने वाला था और वो उनके घर पर बैठकर आए और जिस सोफे पर डॉक्टर यंगे चू बैठे थे वहां पर उस खातून का शौहर जो डाइवोर्स लेने आया था वो सोफे पे बैठा और रूह कुछ ने उसे टच किया, उसका जहन बदल गया और उन दोनों के अंदर सुलह हो गई। थिंग्स आर ब्लेस्ड। सो आजकल तो लोगों की खादमीन की सोच फर्क है, वी डोंट थिंक सो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम बरकत और एनॉइंटिंग के असर को अंडरस्टैंड करें। बरकत का असर है, मसा का असर है, दुआ का असर, रास्तबाज जिंदगी का असर है, रास्तबाज की दुआ के असर से असर है, और असर जो है वो बहुत सारी कसर को ब्रेक करता है और हमें आजाद कर देता है। आमीन। सो गो टू योर होम, क्लीन योर होम, जर्नल क्लीनिंग भी करें, जाले लगे होने, गंदे बर्तन, मक्खियां, ये भी कर्ज की तरफ लेके जाती है। क्लीन इट, हर वक्त चिपचिपाहट, गंदगी, इधर कपड़े, उधर ये वो सब कुछ, एंड यू से वेलकम जीसस, वेलकम, दिस इज नॉट पीस। अपने आप को धोएं, साफ करें, क्लीन योर सेल्फ, क्लीन योर विंडोज, क्लीन योर डोर, क्लीन योर पोर्ट्स, क्लीन योर किचन, ब्लेस करें और पाक करें, साफ करें, दुनियावी सफाई भी करें और रूहानी सफाई भी करें। क्लीन, आपके घर में बरकत आएगी, सुकून आएगा, पीस आएगा। डू यू नो काइन ने हाबल को कत्ल किया था, उसके ऊपर ऐसा कर्ज था, उस कत्ल की वजह से वो जहां पे भी जाता था जमीन अपना हासिल देना बंद कर देते थे। ये ब्लेसिंग है, आप जहां पर जाएं वहां पे जमीन अपना हासिल और आसमान अपने खजानों को खोल के आप पे बरसना शुरू हो जाए, दिस इज ब्लेसिंग। लेकिन अगर बरकत नहीं है तो फिर लानत है। अगर आपको आपका हासिल नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब लानत है। दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होती है एक वक्त में। आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसका हासिल नहीं मिल रहा, इट मीन समवेयर इज अ कर्स जिसने उस बरकत को रोका हुआ है। ब्रेक, यीशु के नाम से उसे तोड़ें और अपनी जिंदगी में फतह को हासिल करें। सो वो खाना खराब होता रहा, आवारा फिरता रहा, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी पर क्या आ गई थी? लानत, कत्ल की वजह से। मैं घर पे गया फेस टू में, एक फैमिली अपार्टमेंट में रहती थी, मैं और मेरी मिसेज वहां पर गए, ये तकरीबन एक डेढ़ महीने की बात है। वी वर सिटिंग, वी वर टॉकिंग, हमने 30 से 40 मिनट तक बातें की, कुछ नहीं हुआ। जब हमने प्रेयर स्टार्ट की तो एक जोरदार धमाका हुआ, वो ये कि एक दरवाजा जिसमें हम बैठे हुए थे जिस कमरे में, वो खुला हुआ था लेकिन जोर से वो बंद हुआ, एंड वी जस्ट सा इट। वी वर प्राइंग और खुदावन ने दिखाया कि इनका जो टेरेस है उस दरवाजे के ऊपर जो हवादार है, हवा का एक खाना बना हुआ है, उसके ऊपर से खून बह रहा है। आई आइडेंटिफाई कि इस घर में किसी का कत्ल हुआ है और वो फैमिली उस अपार्टमेंट में रेंट पर थी। एंड आई सेड गॉड इज टेलिंग यू कि इस घर में कर्ज है जिसकी वजह से आपके हालात जो है वो बहुत खराब है।
जो कत्ल करता है उसकी जनरेशन जो है, उसकी जगह जो है, जिस जगह पे कत्ल होता है वो लानत के नीचे आ जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान को बहुत दुआओं की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क बहुत सारे शहदा के खून से आजाद हुआ है, इसलिए इस मुल्क को बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। सो कीप प्रेइंग, चेक योर लाइफ, चेक योर प्लेस, चेक वेयर यू सिट ऑलवेज। सो मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ता हूं, यशाया 24 बाब और उसकी पहली से 6 आयत तक। लिखा, देखो खुदावंद जमीन को खाली और सरनुगु करके वीरान करता है और उसके बशिंदों को तितर बितर कर देता है, और यूं होगा कि जैसा रायत का हाल वैसा ही काहिन का, जैसा नौकर का वैसा ही उसके साहब का, जैसा लौंडी का वैसा ही उसकी बीबी का, जैसा खरीदार का वैसा ही बेचने वाले का, जैसा कर्ज देने वाले का वैसा ही कर्ज लेने वाले का, जैसा सूद देने वाले का वैसा ही सूद लेने वाले का। जमीन बिल्कुल खाली की जाएगी और बाशिद्दत गारत होगी, क्योंकि यह कलाम खुदामन का है। जमीन गमगीन होती और मुरझाती है, जहान बेताब और पुरस मुर्दा होता है, जमीन के आली कदर लोग नातवान होते हैं, जमीन अपने बशिंदों से नजिस हुई क्योंकि उन्होंने शरीयत को अदूल किया, आइन से मुनहरफ हुए, अहदे अबदी को तोड़ा। इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया और उसके बशिंदे मुजरम ठहरे, इसलिए जमीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। आमीन। यह हवाला बहुत सिमिलर है हमारे आज के प्रेजेंट सिचुएशन से। यू सी, आज जो मालिक मकान है वो किराएदार से भी ज्यादा परेशान है, वो लेदा दिहाड़ियां लगाते रहते हैं। किराएदार ने तो लगानी लगानी, उसने महीने का किराया देना। मालिक मकान भी बेचारा परेशान है, जिसकी गाड़ी है वो भी परेशान है और जो गाड़ी धोने आता है वो भी परेशान है। केसी वाले भी कर्जे के नीचे हैं और बिल देने वाला भी कर्जे के नीचे है, सारे परेशान है। ये क्यों है? क्योंकि लिखा है कि तुम मेरे कलाम से मुनहरफ हुआ है। नो डिफरेंस, बट रिमेंबर, ईमानदार इससे मुख्तलिफ होंगे। आप लानत के अंदर से निकल सके, मैंने आपको यह कर्ज दिखाया है। आपका हाल फर्क होना चाहिए। गैर कौमा भी चर्चा सी एना दा खुदा, सारा कहर पड़ा है, आटे की किल्लत हो गई है, उनका हाल फर्क था, वो कर्ज के नीचे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो अपने खुदा के आइन से मुनहरफ नहीं हुए, वो अपने खुदा के कलाम से मुनहरफ नहीं हुए। आटा देते हुए, चीनी देते हुए, पैकेज देते हुए ये जरूर याद रखें कि हमें दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएंगे। आमीन। सो खुदावंद कह रहे हैं कि मैं जमीन के लोगों को भस्म करूंगा और कितने लोग बचेंगे? थोड़े से। आज बहुत सारे लोगों का कत्ल हो रहा है। एक दिन में तकरीबन 128,000 नए बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जो मौत की शरह है वो 80,000 के नीचे थी। पूरी दुनिया में एक दिन में 80,000 लोग मरते थे किसी भी वजह से, लेकिन अब ये तादाद 100,000 से भी ऊपर चली गई है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी का गाड़ी में आग लग गई है, किसी के यहाँ घर में सिलेंडर फट गया है, कोई बिजली की तार से मर गया है, कोई पानी में डूब के मर गया है, कोई इश्क में डूब के मर गया है, कोई फिक्र में डूब के मर गया है, कोई कैंसर से मर गया है, कोई टीबी से मर गया है,
कोई शुगर से मर गया है, कोई ब्लड प्रेशर से, कोई गर्मी से, कोई सर्दी से, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई वबा से, मुख्तलिफ तरीकों से। आप किसी सड़क पे खड़े हो जाएं, आपको हर एक दो मिनट में एक एम्बुलेंस के साइलम की आवाज आएगी। द डेथ, मौत चारों तरफ इंसान के घूम रही है। एवरी डे किसी का जनाजा आ रहा है, जा रहा है, रौनकें लगी हुई हैं। कोई 60-70 इधर को लेके जाते हैं, 4 रुपये कोई उधर को लेके जाता है। इट्स हैपनिंग। सो इट मीन्स वी नीड जीसस, वी नीड ट्रूथ। इस दुनिया को सच्चाई की जरूरत है और लानत से निकलने की जरूरत है। ये लानत नहीं तो क्या है? एक इंजेक्शन का पता चला, वो थायराइड का था कि वो जी कोरोना वालों को लग रहा है। काफी फार्मेसी वालों ने उसे छुपा लिया। मैंने अभी रिसेंट सुना, वो बहुत महंगे तकरीबन 5 लाख के करीब मिल रहा है, जो कि 1.5 लाख का था। बरकत आएगी या क्या आएगी? दिस इज डिफरेंस। सो हमें तौबा करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, और दुआ के साथ साथ इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत, वेयर वी आर रॉन्ग। खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, वो मिरेकल्स करेगा, रिहा करेगा, हमें छुड़ाएगा। सो सताइश और प्रस्तिश इज अ टूल टू प्लीज गॉड। सताइश और प्रस्तिश एक ऐसा औजार है जिससे हम खुदा को खुश कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको दावत दे रहा हूं, इतवार को छोड़ के, इतवार को सिर्फ सुबह, लेकिन हर रोज रात 8 बजे आए हम मिलकर दुआ करते, आए हम जंजीरों को तोड़ते, आए हम यीशु के कदमों में गिरते हैं और कहते हैं हमारे बच्चों को, हमारे शहर को, हमारे गिरजाघरों को, हमारे लीडर्स को, हमारी कौम को खुदावंद अपने लहू के नीचे ले ले और उन्हें बचा ले। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे। आमीन। जुए टूट जाते हैं और खुदावंद अपने लोगों को आजाद कर देता है। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.